हेलो गाइस एंड फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार। अब देखो यार, मैं रात भर से सोया नहीं, क्योंकि सीरीज मूवीज इतना देख लिया कि भाई क्या ही बताओ आप लोग को। ऊपर से थोड़ा नींद जैसा भी लग रहा था, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ ऐसा है जो पूरा का पूरा नींद ही छुड़ा दिया। अब आप लोगों को तो मालूम ही पड़ गया रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यार इन दिनों हो क्या रहा है। ये वायरफ वाले तो एकदम पगला गए, बौरा गए यार। मतलब पहले पृथ्वीराज का अनाउंसमेंट, फिर उसके बाद शमशेरा का अनाउंसमेंट, फिर उसके बाद जयेश भाई जोरदार का अनाउंसमेंट, फिर उसके बाद पठान का अनाउंसमेंट, फिर उसके बाद आज टाइगर 3 का अनाउंसमेंट। एंड अभी कुछ लोगों को लगता रहेगा कि यार तेरे पास इतने सारे रिव्यू करने के लिए चीज़ें, लेकिन तू ये अनाउंसमेंट पर वीडियो बना रहे हैं। देखो यार, आपको पता नहीं यार, जब शाहरुख खान एंड सलमान खान की एक झलक भी आती है ना, तो आपको मालूम नहीं कि बदन में कैसा पागलपन आ ही जाता है। एंड आज जब मैंने टाइगर 3 का अनाउंसमेंट सुना ना, मजा आ गया यार, एकदम मजा आ गया। अंदर से ऐसा लग रहा था कि यस, ना छूटू यार, इसको बोलते अनाउंसमेंट। क्या मजा आया यार। पहले तो शाहरुख भाई ने खुश किया, फिर सलमान भाई बोले भाई तुम रुक जाओ, अब थोड़ा मैं भी खुश करता हूं। एंड यहां पर तो पूरा चीर डाले, एकदम गर्मा दिए माहौल। अरे यार, जो हमको चाहिए था सलमान खान से, कि सलमान भाई वो अवतार में, वो स्वैगी स्टाइल में आए और तबाही मचाए, फाड़ दिया यार, इसको बोलते चीज। एंड आप लोग बोलते रहे कि यार अरे इसमें क्या मजा आ गया। अरे यार, आप नहीं समझोगे यार, आप नहीं समझोगे, क्योंकि सलमान भाई जिस हिसाब से इतने फ्लॉप पे फ्लॉप फिल्म देते आ रहे थे अभी अंतिम को छोड़ के, एंड अब हमको जो चाहिए उनसे कि यार वो आए और पहले जैसा कयामत मचाए, तो वो यहाँ पर देखने मिल गया। इनफैक्ट मेरी मम्मी ने भी टाइगर एक था टाइगर देखा है, टाइगर जिंदा है देखा है। अच्छा, मैं खुद मेरी मम्मी को टाइगर जिंदा है दिखाने लेके गया, वो बोलती क्या झूठ बोलता है भाई, पूरे पिक्चर में टाइगर तो था ही नहीं, सलमान भाई तो लोमड़ी से लड़ रहे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बट शी एंजॉयड दैट फिल्म अ लॉट। एंड भाई, टाइगर सीरीज के कौन फैन नहीं थे यार, कौन फैन नहीं है। सबने धमाल की थी, थिएटर खचाखच भरे थे, महीनों तक भरे थे। एंड दूसरी बात, अब जब ये टाइगर 3 आएगी, अरे रे 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 रे, अगले साल जहां आदिपुरुष सबसे पहला रिकॉर्ड बनाएगा, तो वहां पठान उसके बाद रिकॉर्ड खड़ा करेगा, और फिर टाइगर 3 रिकॉर्ड तोड़ डालेगा यार। इतना माहौल गरमाने वाला है, क्योंकि यार देखो, मैं टाइगर 3 के लिए इसलिए ज्यादा एक्साइटेड हूं कि एक तरफ सलमान भाई अपने उस अवतार में, दूसरी तरफ इस बार उनके सामने है इमरान हाशमी। ओ हो, इमेजिन करो अगर दोनों का फेस ऑफ अगर स्क्रीन पे देखने मिला, अरे रे रे रे, लोगों का खड़ा हो जाएगा, मतलब लोग खड़े हो जाएंगे यार, उनका गला फट जाएगा चिल्ला चिल्ला के, शोर करते करते, सिटियां मारते मारते, वो अंगार मचने वाला है। एंड फिर जब अगर एक तरफ सलमान खान है जो अपने खुद के स्टाइल स्वैग में आते हैं, तो दूसरी तरफ इमरान हाशमी जिनका खुद का एक एटीट्यूड है, एंड दोनों जब आमने सामने आएंगे, तो भाई क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं, पूरा थिएटर फट जाएगा यार, लिख के ले लो, फट जाएगा, इतना बवाल मचने वाला है। बस बस चोरी में दम रहे ना, तो पिक्चर को 350-400 करोड़ पार करने से कोई नहीं रोक सकता, आराम से। वैसे भी अप्रैल इज द ब्लॉकबस्टर मंथ, उस महीने में ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्म आई है, कयामत ही मचाई है। एंड टाइगर 3, मार्क माय वर्ड, टाइगर 3 मतलब बॉक्स ऑफिस पे कयामत फ्री। जो राणा होएगा ना, सीधा बॉक्स ऑफिस फाड़ा होगा। अब देखो, टाइगर 3 को एक स्पेशल बनाने का पूरा काम इमरान हाशमी करेंगे, ये तो मैं लिख के देता हूं। एंड सेकेंडली यार देखो, इमरान हाशमी भले सलमान खान को मार ना पाए तो क्या हुआ, भले उनको फिर चुम्मा भी देना पड़े, वो चुम्मा दे दे के मारेंगे, लेकिन हारेंगे जल्दी नहीं, तो वो देखने ज्यादा मजा आएगा। एंड आज जब मैंने ये अनाउंसमेंट वीडियो देखा, तो वहां पर मैं देख रहा हूं कैटरीना चाची मस्त पीछे लड़ रही है, एंड इधर पहले तो मेरे को लगा कि आगे वो विकी कौशल शो है, फिर बाद में ऐसा जो भाई निकलते हैं, तब मालूम पड़ता है कि भाई ये तो हमारे टाइगर है। एंड फिर पीछे से कैटरीना बोलती है कि आर यू रेडी। अरे यार, सलमान भाई तो 10-15 साल से रेडी थे, लेकिन उनको क्या पता था यहाँ एक था टाइगर बोल के वहां एक था कौशल हो जाएगा। लेकिन यार, अनाउंसमेंट वीडियो निकालना एंड अनाउंस करना कोई वायरफ से सीखे, क्योंकि ये लोग इतना सुमड़ी में कुमड़ी बजा दे रहे, एंड ये लोग अनाउंस नहीं करे, ये लोग ऐलान करे कि देखो अभी तुमको जितना जो जो फिल्म की वाहवाही जो जो करना है कर लो, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि असली बॉलीवुड क्या था, क्या है और क्या रहेगा। क्योंकि देखो यार, अभी टाइगर और पठान जब झंडा गाड़ेंगे ना, तो इतना बड़ा रिकॉर्ड खड़ा हो जाएगा ना, एंड आपको पता है उनके जो पुराने रिकॉर्ड से उनको तोड़ना इतना मुश्किल था, एंड सिर्फ खांज लोग ही आपस में रिकॉर्ड तोड़ पाते थे, इतना बड़े बड़े रिकॉर्ड थे उनके उस टाइम पे, तो फिर आपको क्या लगता है टाइम गया, अरे भूल के भी नहीं गया। एंड ओवरऑल सो टाइगर 3 के लिए कौन नहीं एक्साइटेड रहेगा यार, बच्चे शोर कर लेंगे जब सलमान खान को देखेंगे उस अवतार में। एंड दूसरी बात कैसा है मालूम है क्या, सिर्फ एक ही चीज का तकलीफ है कि अभी एक साल और वेट करना पड़ेगा ये सारी चीजों के लिए, वरना भाई
बवाल मच गया होता अगर यही साल आता तो। सो ओवरऑल अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। एंड हाँ, मैं कोई भी रिव्यू रहता है वो अनाउंस मैं इंस्टाग्राम पे कर देता हूँ, उसके कुछ कुछ चीज़ मैं इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। एंड अभी बाकी के रिव्यूज ला रहा हूँ तो प्लीज़ टेंशन मत लो, तो उससे पहले सब्सक्राइब कर दो तभी आप लोग को पता चलेगा। एंड बेल दबा दो, क्या बोलते हो, घंटा विंटा दबा दो यार जरा, एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।